आप जिंदगी में दो बार ग्रेजुएशन नहीं करेंगे और केवल ग्रेजुएशन के नाम पे डिग्री जमा कर लेना आपका पर्पस है नहीं। तो ग्रेजुएशन आप ऐसी जगह से करें जहां से ग्रेजुएशन का कोर्स पूरा करने के बाद आप अपने पांव पे खड़े हो सकें। आपके पास कई एक ऑप्शंस हैं, जिनमें से एक ऑप्शन आपके पास ट्रेडिशनल कोर्सेज को करने का है, जिसको करने का आज कोई बहुत ज्यादा फायदा नहीं है। उससे कहीं ज्यादा फायदेमंद है वोकेशनल कोर्सेज। वोकेशनल कोर्सेज आपको सीधे सीधे जॉब के लिए तैयार करते हैं और वही तो आपका पर्पस भी है। और ऐसे वक्त में मैनेजमेंट और आईटी के क्षेत्र में कुछ वोकेशनल कोर्सेज जैसे बीबीएम, बीबीए, बीसीए, बीएससी आईटी या बीकॉम प्रोफेशनल जैसे कोर्सेज बहुत ही उपयोगी और अच्छे कोर्सेज हैं, जो आपको आपके पांव पे खड़ा होने में मदद करेंगे। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि इस कोर्सेज को हम कहीं से भी कर लें। बहुत सारे संस्थान हैं जहां इन चीजों की पढ़ाई होती होगी, लेकिन आपको चुनना है ऐसा संस्थान जहां से पढ़ाई करके आप में प्रोफेशनल स्किल्स डेवलप हो, आप में नॉलेज डेवलप हो, आप में वो एटीट्यूड डेवलप हो जो आपको एक अच्छे कॉर्पोरेट सेक्टर का हिस्सा बना सके। इसके लिए आपको ऐसी जगह पढ़ाई करनी होगी जहां अच्छे टीचर्स हों, रेगुलर क्लासेस होती हो, संस्थान में डिसिप्लिन का एनवायरमेंट हो, अच्छी टीचिंग पैडागॉजी हो, जहां से चीजों को आपको सीखने का बहुत ज्यादा मौका मिले, जहां कुछ ऐसे कोर्सेज हों जो आपको इंडस्ट्री की जरूरतों के हिसाब से अप टू डेट रखें, जहां डिसिप्लिन तरीके से नियमबद्ध तरीके से पढ़ाई होती हो। केवल बीबीए, बीसीए या बीकॉम प्रोफेशनल के नाम पर किसी भी संस्थान में एडमिशन लेने से आपकी हसरत पूरी नहीं होगी। डिग्री के नाम पर एक कागज का टुकड़ा जरूर मिल सकता है 3 साल बाद, लेकिन वो बहुत काम नहीं आएगा। आप में वो स्किल डेवलप नहीं हो पाएगी, आप में वो नॉलेज डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा, आप में वो एटीट्यूड डेवलप नहीं हो पाएगा और रिजल्ट नेगेटिव रहेगा और परिणाम वही ढाक के 3 पास, आपके पास केवल डिग्री के नाम पर एक कागज का टुकड़ा रह जाएगा। इसके लिए आपको ऐसा संस्थान चुनना होगा जहां अच्छी पढ़ाई होती हो, जहां अच्छा प्लेसमेंट होता हो, जहां अच्छे रिजल्ट मिलते हो, जहां अच्छी व्यवस्था हो, जहां आपको सारी सुविधाएं मिल सकें और जिनका प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड हो। और एक दो छात्रों का नहीं, 10-20 छात्रों का नहीं, 100-200 छात्रों का नहीं, हजारों छात्रों का जिनका रिकॉर्ड है, और वो है सिमित समूह के कॉलेज, राजधानी पटना में स्थित है। लेकिन इसके बदले अगर आप ऐसे संस्थान की तलाश में रहेंगे जहां सुविधाजनक तरीके से आपको डिग्री मिल जाए, मात्र कॉलेज 2 ही बार जाना पड़े, एडमिशन के वक्त पर एग्जामिनेशन फॉर्म भरते वक्त पढ़ाई लिखाई की कोई व्यवस्था नहीं हो, तो वैसी कंडीशन में आप कुछ नहीं कर पाएंगे। फिर तो आप सस्ते से सस्ता संस्थान खोज रहे, करियर नहीं बन पाएगा। और एक और बात, जब आप इन प्रोफेशनल कोर्सेज को बैंगलोर या पुणे जैसे शहरों में जाकर के किसी अच्छे संस्थान से करने की सोचते हैं ना, तो 3 साल में इस कोर्स को करने का खर्च लगभग 6 से 8 से 10 लाख रुपए तक आ जाता है आपका, 3 साल में इस पर्टिकुलर कोर्स को करने, रहने वगैरह का सारा खर्च मिला करके। और उसी स्तर की पढ़ाई सीमित समूह के कॉलेजेस में आपको पटना में मिलती है। ये जो बैंगलोर या पुणे के बड़े बड़े संस्थान है जहां 10-12 लाख इन्हीं कोर्सेज की फीस है, और उन कोर्सेज में कैंपस प्लेसमेंट के लिए भी वही कंपनी आती है जो हमारे सीमित कॉलेज में छात्रों को लेने के लिए आती है, तो बताइए समझदारी किसमें है। सीमित समूह के संस्थानों में उन संस्थानों के मुकाबले आपकी फीस काफी कम है और वही राष्ट्रीय स्तर की पढ़ाई आपको मिलती है। सिमेज कॉलेज जाना जाता है पढ़ाई, रिजल्ट और प्लेसमेंट के मामले में। एवरीडे क्लासेस, मंडे टू सैटरडे क्लासेस, 6 to 8 आवर्स की क्लासेस होती है, 3 साल तक लगातार क्लासेस होती है। हमारे छात्र विश्वविद्यालय परीक्षाओं में लगातार यूनिवर्सिटी टॉपर्स रहे, गोल्ड मेडलिस्ट रहे हैं, ये हमारा है रिजल्ट। टॉप 10 में, टॉप 100 में सिमेज समूह के छात्र आते हैं। और प्लेसमेंट के लिए तो सिमेज जाना जाता है, पर्यायवाची है प्लेसमेंट का सिमेज समूह के कॉलेजेस। हजारों छात्रों का प्लेसमेंट टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, विप्रो, आईसीआईसीआई बैंक, पेटीएम और इन तमाम कई एक कंपनियों में हमारे हजारों छात्रों का सिलेक्शन हुआ है। और सीमित समूह के संस्थानों में नामांकन लेना भी बहुत आसान है। मात्र 25,000 रुपए की आपको फीस देनी है और उसके बाद सीमित समूह के कोर्सेज में आपका नामांकन हो जाता है और आप स्टूडेंट्स क्रेडिट कार्ड योजना के में अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं और बाकी की राशि आपकी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के माध्यम से संस्थान को मिल जाती है। और जैसे ही आपकी राशि संस्थान को मिलती है, जो 25,000 रुपए आपने एडमिशन के वक्त दिए होते हैं, वो पैसे भी आपको चेक के माध्यम से वापस कर दिए जाते हैं। तो कितना आसान है पढ़ना, कॉलेज में मात्र 25,000 रुपीज देकर के आप एडमिशन लेते हैं और उसके बाद स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई करते हैं, बाकी की फीस आपकी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के माध्यम से कॉलेज में आ जाती है और आपके पेमेंट का भुगतान वहां से हो जाता है। और कितनी सुंदर व्यवस्था है, सरकार ने यह व्यवस्था बनाई है कि कोर्स पूरा करने के बाद जब आपको नौकरी लग जाए, 3.5 साल का लगभग कोर्स होता है, 6 महीने का सरकार आपको बफर पीरियड देती है, 3.5 साल के बाद जब आपको जॉब लग जाए तो जो सैलरी मिलेगी उसी सैलरी से इसको किश्तों में वापस कर देना है, वो भी 82 किश्तों में, 82 इंस्टॉलमेंट्स में इस अमाउंट को आप वापस कर सकते हैं। कितनी अच्छी व्यवस्था है। और अगर किसी छात्र को जॉब न लगे
तो वो एक एफिडेविट देगा इस आशय का कि मुझे तो जॉब नहीं लग पाया, कोर्स पूरा हो गया है, उस पर लेन की देनदारी नहीं होती है। ये खुद माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने कहा है, बिहार सरकार ने इसे नोटिफाई भी कर दिया है। तो एक बात हम कह देते हैं, बच्चों को पढ़ाइएगा जरूर, इंटर के बाद आगे हमारे यहाँ बच्चे कम पढ़ते हैं, लड़कियां कम पढ़ती हैं, इंटर के बाद भी आगे पढ़े, और गरीबी के कारण अगर लोग अपने बेटे बेटी को नहीं पढ़ा पाते हैं, इसलिए हम लोगों ने योजना शुरू की है स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड की। वो अगर इंटर के बाद आगे पढ़ना चाहता है तो 4 लाख रुपए तक की सहायता राज्य सरकार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के माध्यम से देगी। जब रोजगार ले लोगे तब पैसा लौटाना, और 1 अंश में नहीं 82 अंश में। लेकिन अगर रोजगार नहीं मिलेगा और आपने स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड का फायदा उठा करके सरकार के धन से आगे की पढ़ाई की है, यकीन मानिएगा वैसे लड़के को पैसा वापस करने के लिए हम बाध्य नहीं करेंगे, माफ कर देंगे। लेकिन पढ़िए जरूर, पढ़ना जरूरी है, पढ़ने पर ही आगे बढ़िएगा। इसलिए हम सब लोगों से आग्रह करेंगे, बेटा हो बेटी हो, पोता हो पोती हो, नाती हो नतनी हो, सबको पढ़ाइए, और इंटर के भी आगे पढ़ाइए, और स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना का लाभ लेकर पढ़ाइए। ये मन पढ़ाइएगा कि नहीं पढ़ाइएगा, इधर हाथ उठा के बताइए। तो कितनी अच्छी व्यवस्था बन गई, ओनली 25,000 रुपीज पे करके आप इन कोर्सेज में नामांकन लेते हैं, शेष राशि आपकी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के माध्यम से जो आप अप्लाई करते हैं उसके माध्यम से आपको आ जाती है, और आपकी पढ़ाई पूरी हो जाती है, और जैसे ही वो राशि आती है आपने जो 25,000 रुपीज पे किया है वो भी आपको वापस कर दिया जाता है, और कोर्स पूरा करने के बाद जब आपको नौकरी मिल जाती है तब आप उन राशि को 82 इंस्टॉलमेंट्स में 82 किश्तों में आप उसे वापस करते हैं। और अगर आपको नौकरी नहीं लग पाया तो इस आशय का एक एफिडेविट देते हैं कि कोर्स पूरा हो गया लेकिन मुझे नौकरी नहीं लगी है, तो आपके ऊपर इसको देनदारी की जिम्मेदारी नहीं बनती है। और इतना ही नहीं, स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के माध्यम से आपको लैपटॉप खरीदने के लिए भी राशि मिलती है, यानी आप एक लैपटॉप भी खरीद सकते हैं, आपके हॉस्टल में रहने का कुछ खर्च और स्टेशनरी वगैरह का भी कुछ खर्च आपको स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के माध्यम से मिल जाता है। तो कितनी अच्छी व्यवस्था है, आपकी पढ़ाई की चिंता ही अब खत्म हो गई। ओनली पे 25,000 रुपीज एंड गेट एडमिशन, एंड आफ्टरवर्ड्स यू अप्लाई फॉर स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड स्कीम, एंड रेस्ट ऑफ द थिंग्स कम्स फ्रॉम देयर इटसेल्फ। तो ये एक बहुत ही सुंदर योजना है, आप इस योजना का हिस्सा बने, इस योजना का आप लाभ उठाएं, और इन कोर्सेज को करने के लिए ढंग का संस्थान चुनें, बिहार राज्य में मैनेजमेंट और आईटी का सर्वश्रेष्ठ संस्थान है सीमित समूह के संस्थान। विशेष जानकारी के लिए दिए गए नंबरों पर कॉल करें। धन्यवाद।